मेरी मुंबई में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का असर अब दिखने लगा है। जहां जमीन से लेकर आसमान तक से पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, वहीं वीकेंड पर शहर के व्यस्ततम विजयनगर चौराहे पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिनी मुंबई में दिखने लगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम का असर। जमीन से लेकर आसमान तक से पुलिस रखेगी पैनी नजर। वीकेंड पर विजयनगर चौराहे पर दिखा अलग नजारा। जमीन के साथ ही आसमान से पुलिस ने रखी पैनी नजर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब पुलिस स्मार्ट संसाधनों के साथ अपराधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। भले ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम धरातल पर 15 दिनों के बाद उतरेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस जमीन से लेकर आसमान तक से शहर की मुख्य सड़कों पर नजर रख रही है, ताकि अपराध और अपराधियों दोनों पर नियंत्रण रखा जा सके। शहर के व्यस्ततम विजयनगर चौराहे पर वीकेंड वार की तर्ज पर पुलिस ने ड्रोन कैमरों के साथ संदिग्धों को पूछताछ के लिए रोका। वहीं कैमरों की जद में आए तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को रोककर उन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। वाहनों से घूम रहे लोगों का पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया और फिर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक विजयनगर चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें चौराहे पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख यानी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर संदिग्धों पर नजर रखी गई। पुलिस कमिश्नर महोदय डीसीपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो देर रात के सड़कों पर घूमते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं और उधम करते हैं, उनकी पुलिस की कार्रवाई की जाना है। इसके लिए विजयनगर पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षा समिति के साथ में मिलकर और ड्रोन कैमरों के साथ में चेकिंग की गई, जिसमें पब बार से निकलने वाले, रोड पर चलने वाले और तेज़ गति से जाने वालों के विरुद्ध रोक कर मोटर व्हीकल की 185 की कार्रवाई की गई। साथ ही तेज़ गति की कार्रवाई की गई और जो लोग सार्वजनिक स्थल पर उधम करते रात में देर रात में पार्टी करते पाए गए, उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई। ड्रोन का प्रयोग इसलिए किया गया कि इसमें एक्चुअल में कुछ तो कोरोना नियम के पालन से कि ज़्यादा पास में नहीं जाना पड़े, दूसरा ये देखना जाता है कि दूर से ही ये देखा जा सकता है कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा भीड़ है या कुछ अवैध गतिविधि टाइप दिख रही है, और साथ में उनके नंबर नोट हो सकते हैं कि उसके बाद अगर कोई वारदात करते हैं या नशे में ज़्यादा कौन दिख रहा है, अंदर शराब पी रहा है, ये सब चीज़ें उससे दूर से ही बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। उसके बाद में फिर टीम जाकर पास में चेक कर सकती है। ड्रोन का उपयोग हमने जब लॉकडाउन था उस टाइम पर भी किया था इंदौर में, और अभी फिर से किया गया है, और अब जो अपराध रोकने में इसमें भी इसमें करेंगे, इसके पेट्रोलिंग में भी करेंगे कि ये प्रयास किया जाएगा कि शाम के समय पेट्रोलिंग जो पार्टी रहे वो एक ड्रोन लेके जाएगी, ताकि जो मेन चौराहा है वहाँ पर जाकर वीडियो बनाया करेगी निकलने वालों का, ताकि कोई नंबर वाली गाड़ी उस पर निकले और वो कैमरे में आ जाए, उसके बाद कोई वारदात करती है तो संदिग्ध और नंबर से उसको ट्रेस किया जा सके।
हालांकि इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद यह साफ हो गया है कि इंदौर में स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए न सिर्फ जमीन से अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी बल्कि जरूरत पड़ने पर आसमान से ड्रोन के जरिए भी अपराधों को नियंत्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।